Hey everybody, welcome back to my channel Rajveer Fitness Series. This is me Rajveer Sishodia and today we are going to do back. I hope kal hamara chest day tha, jin logon ne kiya hai bahut maza aaya hoga un logon ko. To aaj hum karne wale hain back. Sare logon se request hai, confused na ho ki kitne din karna hai. Main bar bar bol raha hu ki ye jo hum workout kar rahe hain, kal chest kiya tha, usko ek mahina karna hai. Matlab 18 se shuru kiya hai to agle mahine ki 18 tarikh ko aapka chest ka workout change ho jayega. आज बैक कर रहे हैं, अगले महीने की 19 तारीख को बैक का वर्कआउट चेंज हो जाएगा. तो ये जो वर्कआउट हम कर रहे हैं, ये जो सीरीज़ है, ये एक महीने करनी है. अगले महीने वर्कआउट चेंज होगा, उसको फिर अगले महीने करना है. 90 दिन की सीरीज़ है, मतलब कि तीन महीने में तीन बार वर्कआउट चेंज होगा, वेरिएशन होगी, जिससे कि बॉडी अच्छी गेन करे. तो क्योंकि बैक करना है तो बैक के लिए शुरू करेंगे चिनअप्स के साथ. वार्म अप करेंगे, 2 से 3 सेट करेंगे वार्म अप करने के लिए. तो गाइस चिनअप्स के साथ शुरू करेंगे. जो बिगिनर्स हैं, जो चिनअप्स नहीं कर पाते हैं, वो चिनअप्स कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ. आप पहले अपनी रोड पर या लटकने का जो भी आपके जिम में जुगाड़ है उस पर लटकेंगे. देन एक बंदा आपको पैरों से सपोर्ट करेगा. वो कैसे करेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ. लाइक दिस, कोई भी बंदा आपका ट्रेनर हो या आपका जिम पार्टनर हो, नीचे से आपको सपोर्ट देगा. एंड लाइक दिस, 1 2 3 छोड़ दो. बस इस तरह से आपको चिनअप्स करने हैं. जो लोग नहीं कर पाते हैं और जो लोग इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, एडवांस लेवल पर हैं, वो अपने चिनअप्स करेंगे लाइक दिस. 1 पूरा ऊपर, पूरा नीचे, पूरा ऊपर, पूरा नीचे, लाइक दिस. 8 से 10 रैप करेंगे, 2 से 3 सेट करेंगे वार्म अप करने के लिए. अपनी बॉडी वार्म अप हो जाएगा, उसके बाद करेंगे अपना वर्कआउट शुरू. लेट्स गो. सो गाइस शुरू करेंगे अपने पहले वर्कआउट के साथ. बैक के लिए हमें पहले करना है वाइड ग्रिप लेग पुल डाउन. वो कैसे करेंगे, ये मशीन सबके जिम में होती है. कैसे करना है, वाइड ग्रिप लेनी है और इसको नीचे खींचना है लाइक दिस. 1 2 नीचे आके स्क्वीज करना, 3 4. बहुत लोग क्या करते हैं, हैवी वेट लगाते हैं और पीछे गिरना शुरू हो जाते हैं. पीछे नहीं जाना, बिल्कुल स्ट्रेट रहना लाइक दिस. आठ, दस, बारह, ये आपके रेपिटेशंस होने हैं. इतने ही रेप्स निकालने हैं. और क्योंकि सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि वी शेप बैक चाहिए. वी शेप बैक कैसे आएगा, जैसे हमने चेस्ट में किया था, हर सेट के बाद, हर एक्सरसाइज के बाद पुशअप्स किए थे. इसमें हम चिनअप्स करेंगे. एक सेट हमारा कब होगा, जब हम लेग पुल डाउन करेंगे एंड देन उसके बाद करेंगे चिनअप्स. 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस. पुशअप्स थोड़ा इजी होता है, चिनअप्स थोड़ा हार्ड होता है. तो जो लोग हर सेट के बाद चिनअप्स नहीं कर सकते, मेक श्योर आप लोग क्या करेंगे, 4 सेट अपने कंप्लीट करेंगे देन चिनअप्स करेंगे. देन दूसरी एक्सरसाइज के 4 सेट कंप्लीट करेंगे देन चिनअप्स करेंगे. 8 10 12 रैप चिनअप्स के, बहुत अच्छी वी शेप बैक निकल के आएगी. आई कैन बैट. तो चलते अपने दूसरे वर्कआउट की तरफ, जो है हमारा क्लोज ग्रिप लेग पुल डाउन. क्लोज ग्रिप में क्या करना है, जैसे हमने वाइड ग्रिप में वाइड पकड़ा था, क्लोज ग्रिप में हमें रिवर्स ग्रिप रखनी है एंड क्लोज अपनी रॉड को लेना एंड देन लाइक दिस. 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस. 8 से 10 रैप करने हैं, हैवी वेट रखना है एंड देन उसके बाद चिनअप्स करेंगे. जो लोग बार बार सुन लें, जो लोग हर सेट के बाद चिनअप्स नहीं कर सकते, चाहे आप 2 चिनअप्स मारो, 3 मारो, 4 मारो, 6 मारो, जो लोग हर सेट के बाद नहीं कर सकते, वो लोग 4 सेट कंप्लीट करने के बाद 1 सेट चिनअप्स का जरूर लेंगे. चलते हैं अपने थर्ड वर्कआउट की तरफ, लेट्स गो. सो गाइस थर्ड वर्कआउट करेंगे हम सीटेड रो. सीटेड रो में क्या करना है, ये मशीन हमको लेनी है. हाँ पता है, सब जिम में मशीन नहीं होती, बता रहा हूँ अभी. सीटेड रो मशीन के ऊपर बैठना है, चेस्ट को स्ट्रेट रखना, मशीन को खींचना लाइक दिस. 1 पीछे आके स्क्वीज करना, 2 3 4 5
फोन तोड़ दूंगा तेरा, बंद कर ले। 6 7 8 9 लाइक दिस। पीछे आके स्क्वीज करना है, आगे जाके रिलीज करना है। उसके बाद चिनअप्स करने, जैसे बता रहा हूँ हर सेट के बाद नहीं कर सकते तो 4 सेट लगाएंगे, चिनअप्स करेंगे। एंड आई नो हर जिम के अंदर ये मशीन नहीं होती है, मैंने भी बहुत सारे जिम्स के अंदर वर्कआउट किया है, अभी इसमें कर रहा हूँ उसका मतलब नहीं है, शुरू से किया है। मैं जहाँ पहले जिम करता था 80 रुपये उसकी फ़ीस होती थी। तो हर जिम के अंदर एडवांस मशीन्स नहीं होती हैं, तो इसका ऑल्टरनेट रिप्लेसमेंट हम पुली के नीचे वेट लगाएंगे, यहाँ पर स्टेपर रखेंगे एंड देन नॉर्मल हमें बैठना है, पैर यहाँ लगाने एंड लाइक दिस 1 2 पीछे आके स्क्वीज, आगे जाके रिलीज, पीछे जाके स्क्वीज, आगे जाके रिलीज। सेम इफेक्ट आएगा, ट्राई करके देखिएगा। इसके बाद हमें चिनअप्स करने हैं, चाहे 2 रैप मारें, 3 4 5 जितने भी आप रैप निकाल सकते हैं उतने निकालें, रैप मैटर नहीं करता वर्कआउट के सेट्स के बीच में चिनअप्स मारने में। तो मेक श्योर अगर आप बार बार नहीं लगा पाएँ तो 4 सेट के बाद ज़रूर लगाएं। चलते हैं हमने 4th वर्कआउट की तरफ, लेट्स गो। सो गाइस, 4th एंड 2nd लास्ट आती है हमारी 1 हैंड डंबल रोइंग। कैसे करेंगे, फ्लैट बेंच लेंगे, एक हैवी डंबल लेंगे और उसके बाद शोर शराबा नहीं ना, शोर नहीं मचाना 1 हैंड डंबल रोइंग करेंगे, थोड़ा हैवी डंबल लेंगे, फ्लैट बेंच लेंगे। बहुत लोग क्या गलती करते हैं, ये पैर यहाँ होगा और ये डंबल आगे लेके जाते हैं या फिर पूरा पीछे लेके आते हैं, ये गलती नहीं करनी है। पैर का हमारा जो ये पार्ट है, ध्यान से देखिएगा, इसको हमें रखना है बेंच पर यहाँ, और हमारा जो नी है, नी के एक लाइन में पैरेलल हमारा पंजा आएगा दूसरे पैर का एंड देन हम इसको शुरू करेंगे लाइक दिस 1 2 3 4 5। लोअर बैक हमारी स्ट्रेट रहेगी, फेस हमारा सामने रहेगा एंड लाइक दिस 8 to 10 reps, थोड़ा हैवी लेंगे एंड देन विद ऑल्टरनेट हैंड लाइक दिस 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया हमारे 4 एक्सरसाइज, इसके बाद वही चिनअप्स एंड देन अब चलते हैं अपने लास्ट वर्कआउट की तरफ, जो है हमारा बेंट ओवर रोइंग। तो भाई लास्ट वर्कआउट आता है हमारा बेंट ओवर रोइंग। इसको कैसे करना है, एक रॉड के अंदर वेट लगाना है, वेट उतना जिससे आप ये 8-10 रैप निकल पाएँ, ईजिली आप कर पाएँ। फॉर्म देख लीजिए ताकि आप जो आपकी फॉर्म ख़राब ना हो। फॉर्म हमें क्या रखनी है, अपने पैर बिल्कुल क्लोज रखना है और लोअर बैक हमारी स्ट्रेट रहेगी लाइक दिस। देन हमें वेट लिफ्ट करना, कोशिश ये करनी है कि जो हमारी चेस्ट है वो फ्लोर के पैरेलल रहेगी एंड देन वेट लिफ्ट करना है, लोअर बैक हमारी स्ट्रेट एंड लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो गाइज ये था हमारा बैक का वर्कआउट। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इस वर्कआउट को 1 महीने फॉलो करना है। आज 19 मार्च है, 19 अप्रैल को आपको दूसरा वर्कआउट मिल जाएगा। तब तक जितने भी आपके ट्यूसडे आएंगे सेम वर्कआउट फॉलो करना है, बार बार कंफ्यूज नहीं होना है। वर्कआउट फॉलो कीजिए, मुझे बताइए रिजल्ट कैसा लग रहा है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में शोल्डर के साथ। टिल देन पीते रहो पेप्सी, जीते रहो सेक्सी, बाय।